बस्मिल्मल आम महमद बाजलफ़राजा महमद टूडे वी आर स्टडींग पी के एंड पी के बी फर्स्ट ऑफ आल वट इज़ दी के ए पी के एट इज़ द नेगेटिव लाग ऑफ़ के जैसे आलरेडी मैंने आपको ये बताया है कि पी जो है ये लफ्स पुरूष से है जिसका मतलब होता है लाग ऑफ इनवर्स तो पी के तो इसका मतलब हुआ लाग ऑफ इनवर्स ऑफ के तो ये नेगेटिव लाग है तो पी के ए इज़ नेगेटिव लाग ऑफ के ए के क्या चीज़ है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है जितना के की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रांगर इज द एसिड तो पी के ए इज इक्वल टू मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं ये जैसे इक्वेशन नंबर वन हमने लिखी है तो पी के इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए वीक एसड हैव वेरी small value ऑफ़ के हम नेगेटिव log क्यों लेते हैं के ए का डायरेक्ट क्यों के ए मैर नहीं कर लेते वीक एसड वेरी स्मॉल वैली ऑफ़ के जैसे टेन रेज टू माइनस थ्री टेन रेज टू माइनस एट टेन रेज टू माइनस थर्टीन ये बहुत कम रकम है डेसीमल्स के अंदर है इसको रीड करना या कंपेयर करना मुश्किल होता है फिर हम इसका जब नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो यही वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी होल नंबर के अंदर टेन रेज टू माइनस वन इसका नेगेटिव लाग लेंगे वन के इक्वल आ जाएगा टेन रेज टू माइनस थर्टीन इसका नेगेटिव लाग लेंगे तो ये थर्टीन के इक्वल आ जाएगी वीक एसिड्स वीक एसिड्स हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ के ए वेन वी टेक नेगेटिव लाग इट इज़ कन्वर्टेड इन टू होल नंबर जब हम इसका नेगेटिव लाग लेते हैं तो ये चेंज हो जाती है किस में होल नंबर में समालर के जितना के की वैल्यू कम होगी ग्रेटर इज पी के उतना पी के की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और वीकर इज़ एसिड इसका मतलब पी के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड वीक हो जाएगा वैन ग्रेटर इज़ पी के तो वीकर इज एसिड और वैन स्मॉलर इज पी के तो स्ट्रांगर इज एसिड पी के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड वीक होगा और पी के ए की वैल्यू कम होगी तो एसिड स्ट्रांग होगा उसकी रीज़न क्या है कि ये इनवर्स लाग है के ए का तो के जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो तो एसिड स्ट्रांग होता है तो के की वैल्यू कम हो तो एसिड वीक होता है तो पी के ए फिर क्या हो जाएगा कि जब एसिड जब पी के वैल्यू ज़्यादा होगी तो के वैल्यू कम होगी और एसिड वीक होगा और जब पी के ए की वैल्यू कम होगी तो के वैल्यू ज़्यादा होगी और एसिड स्ट्रांग होगा तो ये है पी के सपोज़ हमारे पास ये एक डाटा हम ले लेते हैं आपके पास के की वैल्यू है टेन रेज टू माइनस वन टेन रेज टू माइनस वन का मतलब है कि ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन अगर इसका नेगेटिव लाग ले लें तो पी के क्या आ जाएगा वन के इक्वल आ गया अगर के वैल्यू आ जाए आपके पास टेन रेज टू माइनस टू टेन रेज टू माइनस टू का मतलब है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन बल्कि जीरो पॉइंट जीरो वन टेन रेज टू माइनस टू जीरो पॉइंट ज़ीरो वन टेन रेज टू माइनस टू आ जाएगी अगर आप इसकी पी के वैल्यू लें नेगेटिव लाग ले लें तो ये टू के इक्वल आ जाएगा इस तरह एक एसिड की वैल्यू है पी के की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन तो या इस तरह भी लिख सकते हैं टेन रेज टू माइनस थ्री तो इसका पी के निकालेंगे तो ये थ्री के इक्वल आ जाएगा इसका मतलब के की वैल्यू टेन रेज टू माइनस वन ज़्यादा है टेन रेज टू माइनस टू कम है टेन रेज टू माइनस थ्री ज़्यादा है तो आप देख रहे हैं तो पी के क्या है जिसका के ज़्यादा उसका पी के कम है वन पी के फिर टू आ जाएगा इसका के वैल्यू कम है पी के ज़्यादा है टू है फिर क्या आ गया पी के इज़ इक्वल टू थ्री तो इसकी जो एसिड स्ट्रेंग है जिसकी वैल्यू के की वैल्यू कम है वो स्ट्रागर एसिड है जिसकी के वैल्यू ज़्यादा है वो वीकर एसिड है तो इसका मतलब पी के वन जो है ये एसिड स्ट्रांगर है और पी के जिसकी टू है ये वीकर है और पी के थ्री जो है ये और ज़्यादा वीक है ये एक जर्नल नोट ले लें वन डिफरेंस ऑफ पी के इज़ यूनिटी बिटवीन टू एसिड्स अगर दो एसिड्स हैं और उनके दरमियान जो पी के का फ़र्क है वो यूनिटी है बिटवीन टू एसड्स तो देन एसड विद ग्रेटर पी के इज़ टेन टाइम्स बीकर जैसे ये आप ले रहे हैं कि आपके पास के की वैल्यू टेन रे टू माइनस वन और टेन रे टू माइनस टू है तो इन दोनों में वन और टू में पी के का फ़र्क क्या है वन का फ़र्क है तो जो आ, जिसकी वैल्यू टेन रेज टू माइनस वन है ये स्ट्रांगर एसिड है, है कितने टाइम स्ट्रांगर है टेन टाइम स्ट्रांगर है नीचे वाला क्या है टेन टाइम कम हो गया के तो इसका मतलब वो टेन टाइम वीक है तो व्हेन डिफरेंस ऑफ पी के इज़ यूनिटी बिटवीन टू एसिड्स तो देन एसिड विद ग्रेटर पी के

पी के इज़ थ्री तो देन एसिड विद ग्रेटर वैल्यू ऑफ पी के इज़ थाउजेंड टाइम वीकर वैन डिफरेंस इज़ फोर तो देन एसिड विद एस समॉलर पी के ग्रेटर पी के इज़ टेन थाउजेंड टाइम वीकर एंड सो वन ये तो है पी के ए पी के क्या है इट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ के तो मैथमेटिकली आप क्या लिखेंगे पी के इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के वैन एसिड है वेरी समॉल वैल्यू हम उसका नेगेटिव लॉग क्यों लेते हैं कि वैन एसिड हैज़ वेरी समॉल वैल्यू ऑफ के तो देन वी टेक द नेगेटिव लॉग इट इज़ कन्वर्टेड इन टू द होल नंबर समॉलर के ग्रेटर इज़ पी के और वीकर इज़ एसिड एसेड उतना वीक हो जाएगा तो ये हमने मिसाल ले ली कि के ए टेन रेज टू माइनस वन है तो पी के वन आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव लॉग टेन का वन के इक्वल होता है uh, के ए की वैल्यू टेन रेज टू माइनस टू हो तो पी के टू आ जाएगा और के ए की वैल्यू टेन रेज टू माइनस थ्री हो तो पी के थ्री आ जाएगा तो वैन डिफरेंस ऑफ पी के इज़ यूनिटी बिटवीन टू एसेड्स तो देन एसेड विद ग्रेटर पी के इज़ टेन टाइम्स वीकर वैन डिफरेंस इज़ थ्री बिटवीन टू एसेड तो एसेड विद ग्रेटर पी पी के इज़ हंड्रेड टाइम्स वीकर हंड्रेड टाइम वीक हो जाएगा इसके बाद हमने पढ़ना है पी के बी वट इज पी के बी पी के बी इट इज पी के एंड वी पी के बी क्या है इट इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ के बी ये के बी का नेगेटिव लाग है तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे पी के बी इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ़ के बी पी के बी इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ़ के बी तो उसी तरह से ये याद रखें ग्रेटर द पी के बी समर इज़ के बी जितना पी के बी ज़्यादा होगा उतना के बी कम होगा और वीकर इज़ बेस उतना ही बेस ज़्यादा वीक हो जाएगा क्यों पी के बी क्या है इट इज़ नेगेटिव लाग ऑफ के बी के बी क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इट इज़ द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ़ बेस या इसका दूसरा नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ़ बेस जितना के बी की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ही बेस ज़्यादा स्ट्रांग होगा जितनी के बी की वैल्यू कम होगी उतना बेस ज़्यादा वीक होगा लेकिन के पी के बी जब उसका आप नेगेटिव लाग लेंगे तो जो समाल वैल्यू है वो होल नंबर में चेंज हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ़ पी के बी वीकर इज़ बेस तो समालर द वैल्यू ऑफ के पी पी के बी ग्रेटर इज़ के बी एंड स्ट्रांगर इज़ बेस तो यही हमने नोट में लिखा कि ग्रेटर पी के बी समालर इज़ के बी एंड वीकर इज़ बेस एंड सोवान वाइस वर्सा इसमें हमें यह भी पता होना चाहिए कि पी के डब्ल्यू क्या है मैं के डब्ल्यू आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट इज़ द आयोनाइजेशन कॉन्सटेंट ऑफ वाटर और इसकी वैल्यू है टेन रेज टू माइनस फोर्टीन तो पी के डब्ल्यू क्या है इट इज़ नेगेटिव लाग ऑफ के डब्ल्यू जो आयोनाइजेशन कॉन्सटेंट ऑफ़ वाटर है उसका जो नेगेटिव लाग है वो कहलाता है के डब्ल्यू तो पी के डब्ल्यू क्या आ गया पी के डब्ल्यू इज़ इक्वल टू नेगेटिव लाग ऑफ के डब्ल्यू के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है टेन रेज टू माइनस फोटीन तो नेगेटिव लाग ऑफ टेन रेज टू माइनस फोरटीन दिस विल बिकम इक्वल टू फोटीन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तो पानी का जो पी के डब्ल्यू है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पे वो फोर्टीन के इक्वल है तो ये तो हमने पढ़ा कि वट इज़ पी के ए और पी के बी एंड पी के डब्ल्यू फिर नेक्स्ट इन हम बफर सलूशन के बारे में पढ़ेंगे तो थैंक यू अल्लाह हाफि अल्हल्ल महमदाल महमद वाजुलफ़रा